साउथ के 8 ऐसे मुस्लिम स्टार्स जिन्हें लोग हिंदू समझने की गलती करते हैं। नंबर 8, ज्योतिका। इस लिस्ट में साउथ की सुपरस्टार ज्योतिका का भी नाम शामिल है, जो एक्टर सूर्या की पत्नी भी हैं। उनके पिता पंजाबी और मां मुस्लिम हैं। ज्योतिका के जन्म के बाद उनके माता पिता ने उन्हें सदाना नाम दिया। माता पिता दोनों अलग अलग धर्म से हैं, इसलिए भी वह सभी धर्मों में आस्था रखती हैं। नगमा उनकी सौतेली बहन है और उन्होंने हिंदू परंपराओं के मुताबिक एक्टर सूर्या के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि उनके किसी अन्य धर्म में कानूनी परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 7, श्याम। साउथ की फिल्मों के हैंडसम अभिनेता श्याम को आज कौन नहीं जानता है। इनका जन्म 4 अप्रैल साल 1977 को मधुरही हुआ था। यह एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका पूरा नाम शमशुद्दीन इब्राहिम है। नंबर 6, नस्सर। नस्सर को आपने कई फिल्मों में पुलिस का किरदार निभाते हुए देखा है। नस्सर नासिर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद हनीफ है। इनका जन्म मार्च साल 1958 को चेंगलपट्टू में हुआ था। नंबर 5, नयनतारा। दोस्तों, वैसे तो साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार नयनतारा अब हिंदू हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्म के समय वह हिंदू नहीं बल्कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थीं। उनका जन्म मलयाली सीरियाई ईसाई परिवार में हुआ था। नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है। उन्होंने कथित तौर पर 7 अगस्त 2011 को चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया था और तब से वह हिंदू धर्म को मान रही हैं। नंबर 4, राजकिरण। दोस्तों, इनका जन्म 25 अगस्त साल 1954 को तमिलनाडु के एक गांव के मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका असली नाम मोहिदीन अब्दुल खादिर है। नंबर 3, अली। अभिनेता अली को लोग समझते हैं कि वह हिंदू हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह एक मुस्लिम परिवार से है। इन्होंने अपने अभिनय से हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। नंबर 2, नखत खान। इस कड़ी में नखत खान यानी खुशबू के नाम भी शामिल है। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। खुशबू ने फिल्म निर्माता सुंदर से शादी की और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। अब वह नखत नहीं बल्कि खुशबू सुंदर के नाम से जानी जाती है। नंबर 1, मोनिका। इस लिस्ट में एक्ट्रेस मोनिका का भी नाम शामिल है, जिनके पिता तो एक हिंदू थे और माँ कैथोलिक ईसाई। उन्होंने ये दोनों धर्म छोड़ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम बदलकर एमजी रहीमा रख लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें इस्लाम के सिद्धांत पसंद हैं और इसलिए उन्होंने इस धर्म को अपना लिया।